हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक हर्षित में। मैं हूं हर्षित। सो गाइस, फाइनली इस चैनल यानी कि टेक हर्षित का आज जस्ट अभी अभी मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मोनेटाइजेशन इनेबल होने पर कितनी खुशी होती है, मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद आपको क्या करना होता है, और मैंने 4 घंटा का बॉस टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट किया, क्या मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, क्या पूरी जर्नी है, फुल शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। सो देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करें कि मैंने चैनल स्टार्ट कब किया था, ये तो ये जो टेक हर्षित चैनल है इसका शुरुआत में नाम था टेक्निकल हर्षित। टेक्निकल हर्षित से मैंने इसको यूनिक यूट्यूबर किया था, यूनिक यूट्यूबर से मैंने इसको टेक हर्षित कर दिया है। स्टार्टिंग की बात करें तो जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था उस टाइम मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। एंड स्टार्ट क्यों किया था, स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके थे एंड उसके अलावा कुछ काम धाम नहीं था। काम धाम से मेरा मतलब है मेरे सिर्फ 2 चैनल थे एंड मेरे को कुछ बड़ा करना था, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हमें रिच बनना है तो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड होकर हम कभी रिच नहीं बन सकते हैं। तो मैंने सोचा भैया थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो एक चैनल और क्रिएट करते हैं। चैनल ओपन करने का मकसद बस एक था कि जो एक हैबिट होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है इस चैनल पर। कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी, ऐसे में डेली एक वीडियो अपलोड करना है। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आई थिंक मार्च में स्टार्ट किया था एंड अभी जनवरी चल रही है, तब से लेके आज तक आप मेरे कोई भी ऐसा दिन नहीं बता सकते जिस दिन मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड ना की हो। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो आई हो, 3 आई हो, 4 आई हो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक इस चैनल पर कि एक वीडियो ना अपलोड की हो। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। एंड बस इस चैनल का मतलब बस इतना सा है कि जब तक जिंदा रहूंगा इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। इस दुनिया में किसी की दम नहीं जो रोक ले। सो ये टेक्निकल गुरुजी का वर्ड है वैसे, कंसिस्टेंसी। टेक्निकल गुरुजी आपने चैनल देखा होगा जिसपे सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी चैनल है, उनकी क्यों वो इतना सक्सेस हुए, क्योंकि उनके चैनल पर कंसिस्टेंसी है। जब से लेके उन्हें आज तक यूट्यूब चैनल बनाया है 5 साल हो गए हैं, आज तक कभी चैनल पर छुट्टी नहीं की है। ठीक है, क्या इंसान बीमार नहीं पड़ता, सुख दुख नहीं आते हैं, उनके लाइफ में भी आते हैं, तो वो चीज़ मैनेज करना अगर आप सीखे तो आपका भी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा अगर मैं अपने चैनल की और बात करूं तो रेगुलरली मैंने वीडियो अपलोड की, एसईओ वगैरह सही से किया, थंबनेल वगैरह अच्छे से क्रिएट किया। एंड जो एक गलती मैंने की इस चैनल पर वो ये कि मैंने कैटेगरी चेंज की एंड ड्यू टू चेंज इन कैटेगरी मेरी वीडियो तो वायरल हुई बट व्यूज़ नहीं आए मेरी वीडियो पे, अभी भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो वो इन फ्यूचर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ होती है कि आप कंसिस्टेंसी रखो, एसईओ सही से करो, थंबनेल अच्छे से बनाओ, तो आपका भी वॉच टाइम पूरा होगा एंड सब्सक्राइबर्स पूरा होगा। अगर मेरी बात करो तो मैंने यूट्यूब पर 90% केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें वॉच टाइम बाद में कंप्लीट होता है, सब्सक्राइबर्स पहले कंप्लीट हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे और 2 चैनल हैं, ऐसी बात नहीं है फर्स्ट टाइम मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो रहा है, मेरे पहले से 2 चैनल और हैं जिसका नाम है टाइक टेक यूट्यूबर हर्षित। तो ये जो 2 चैनल हैं इनका भी मोनेटाइजेशन ऑन हो रखा है। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन फर्स्ट टाइम मैं नहीं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी थी, जो मेरा टाइक टेक चैनल है एंड यूट्यूबर हर्षित चैनल है, ये दोनों चैनल पर सब्सक्राइबर्स पहले पूरे हुए थे, बहुत टाइम बाद में पूरा हुआ था, बट इस चैनल यानी कि टेक हर्षित पे एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है कि इस पे पहले बहुत टाइम पूरा हो गया। 4000 घंटे का बॉस टाइम चाहिए होता मोनेटाइजेशन के लिए, मेरे 4000 से काफ़ी ज़्यादा बॉस टाइम हो गया था बट सब्सक्राइबर्स 1000 नहीं हो पाए थे। सो मेरे सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए एंड बॉस टाइम भी पूरा हो गया एंड मेरा चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। सो अगर एक्सपीरियंस की बात करो तो कुछ खास नहीं है, वीडियो रेगुलरली अपलोड करो। ठीक है, उसके साथ ही साथ कॉन्टेंट अच्छा क्रिएट करो। एक चीज़ जो होती है वो होती है कि आपने एक तरफ 1000 वीडियो क्रिएट की नहीं, एक तरफ आपने 10 वीडियो क्रिएट करी, अब जो 1000 वीडियो हैं वो उसमें कुछ अच्छे टॉपिक भी निकलेंगे, कुछ खराब टॉपिक भी निकलेंगे, बट जो 10 वीडियो आपने बनाई वो अगर बहुत अच्छी बनाई, अच्छी टॉपिक पे बनाई, अच्छी वीडियो क्वालिटी रखी, अच्छी ऑडियो क्वालिटी रखी, अच्छा एसईओ रखा, अच्छा थंबनेल रखा, अच्छी वीडियो एडिटिंग रखी, सब अच्छा कर दिया ना आपने, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू मोर वीडियोज़। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा आपके चैनल पर वीडियोज़ होंगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यूट्यूब पर मेन जो चीज़ मिलती है पैसा वो किस पे मिलता है? व्यूज़ पे। और अगर आपके चैनल पर ज़्यादा वीडियोज़ होंगी तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, कम वीडियोज़ होंगी तो सीधी सी बात है कम व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा टेक्निकल गुरुजी की सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी में। क्यों? उनके पे पहले से 3000 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो रखी हैं। उधर ही अगर हम कोई दूसरे चैनल की बात करें जिस पे कि भले ही उसके 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों बट वीडियोज़ की क्वान्टिटी कम है, तो ऐसे में उसकी अर्निंग कभी भी टेक्निकल गुरुजी के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि वीडियोज़ कम प्रेजेंट हैं, कितने भी व्यूज़ आ जाएँ एक लिमिट लग जाती है। ठीक है, तो बाकी इस चैनल पर सब कुछ हो गया पूरा, कुछ वीडियो वायरल हुई, बहुत टाइम पूरा हुआ, सब्सक्राइबर्स पूरी है, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। एंड एक खास एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा, तीनों चैनल मेरे मोनेटाइज हुए लगभग 24 आवर्स में, तीनों मोनेटाइज हो गए।
ठीक है, 24 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यूट्यूब पर। सो बस लोग कहते हैं कि अंडर रिव्यू में पड़ा रहता है मेरा चैनल, ये हुआ रहता है, वो हुआ रहता है, ऐसा कुछ मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। उसके अलावा अब एक नई पॉलिसी आई है, मिसलीडिंग कंटेंट, अगर आप कॉमा लगा लगा के आपने टैग डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, या टाइटल कुछ और डाल रखा है, थंबनेल में कुछ और लिख रखा है, वीडियो में कुछ और बता रखा है, ऐसा हो जाता है, तो वो चीज़ भी सही है। बाकी मेरे साथ अभी तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है कि मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल ना हुआ हो या डिसेबल हुआ हो, बाकी लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा इन फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल के लिए कोई भी एडसेंस पिन नहीं आएगा। द रीज़न इज दैट मेरे से पहले से दो चैनल है, वो भी मोनेटाइज हो रखे हैं एंड उसका एडसेंस पिन भी आ रखा है, तो उसी का एडसेंस मैंने इस चैनल से ज्वाइन किया है, तो एडसेंस पिन नहीं आएगा। अगर आएगी कोई चीज़ वो आए सीधी फर्स्ट पेमेंट। अब जैसे ही फर्स्ट पेमेंट आएगी तो मैं कुछ स्पेशल करूँगा, स्पेशल क्या करूँगा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो सीक्रेट रखूँगा। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी ठीक उसी दिन में एक नया ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूँगा जिस पर मैं अपना कुछ शेयर किया करूँगा पर्सनल चीज़ें। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी आप बताना कमेंट में क्या आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं। मेरे तीन तीन चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, अब इन फ्यूचर तीन चैनल से मैं अर्निंग करूंगा एंड फोर्थ चैनल का भी मोनेटाइजेशन काफ़ी जल्द होगा, एंड वो कब होगा 2021 में होगा। फिफ्थ चैनल का मोनेटाइजेशन कब होगा वो भी 2021 में ही होगा, ठीक है। सो फोर्थ एंड फिफ्थ चैनल कौन से हैं वो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो भी आपको तब पता चलेगा जब उसका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड एक चीज़ बताऊँ, खुशी होती है मोनेटाइजेशन के लिए, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि भाई साहब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया, आप बहुत खुश हो गए, ये वो, हम एक चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाए, आपने तीन तीन कर दिखाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पहले से दो चैनल मोनेटाइज हो रखे हैं, खुशी वगैरह कुछ नहीं। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन की भी खुशी मिल चुकी है, 1000 सब्सक्राइबर्स की भी मिल चुकी है, 6000 सब्सक्राइबर्स की भी मिल चुकी है एंड साथ में एडसेंस पिन की भी मिल चुकी है। अब एक खुशी बची है वो है फर्स्ट पेमेंट की, एंड वो भी काफ़ी जल्द मिल जाएगी, आई थिंक होली तक। तो बस खुशी नो, थर्ड चैनल मोनेटाइज हुआ खुशी कम, फोर्थ हुई उससे भी कम, फिफ्थ मोनेटाइज होगा उससे भी कम होगी। तो बस ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।